अभी है हम लोग बाहुबली हिल्स जाने वाले रास्ते पे, और ये इतनी खड़ी चढ़ाई है कि हम लोग स्कूटी से आए थे तो वरुण ने स्कूटी लेके मतलब आगे वो पड़ गए और मैं पैदल चल रही हूँ, क्योंकि हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं स्लिप ना कर जाए। और मैं दिखाती हूँ यहाँ से व्यू आपको, यहाँ से आपको स्लोप का पता नहीं चल रहा होगा पर ये बहुत खड़ी चढ़ाई है और नीचे पूरा गाँव है। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है उदयपुर में डे टू और दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत एडवेंचरस रास्तों के साथ। अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं बाहुबली हिल्स पे, और यहाँ आने के लिए जो रास्ता भी है वो बहुत ही सुंदर है, आपने देखा ही होगा अभी वीडियो में। तो इरादा तो था सनराइज़ देखने का, लेकिन सन अपने टाइम पर राइज हो गया और हम राइज नहीं हो पाए। तो अभी 8:30 बज गए हैं और हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। रास्ता ये भी बहुत एडवेंचरस है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। देख रहे हो दोस्तों कितना खूबसूरत रास्ता है, वो बड़ी झील है पूरे ये हिल्स के साइड में, और ये पतला सा ट्रैकिंग का रास्ता है जिस पे मैडम आज, ये मैडम की दूसरी ट्रैकिंग है ना, एक तो अंडमान में दो ट्रैक था। अच्छा हाँ, अंडमान में दो ट्रैक किया था इन्होंने और आज ये तीसरी बार ट्रैक कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। खासकर अभी बारिश वाला मौसम है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए और भी ऊपर चल के देखते हैं। फ्रेंड्स ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हो यही बाहुबली हिल्स का व्यू पॉइंट है, और इसका शेप क्रोकोडाइल जैसा है और बहुत सुंदर फोटोज़ वगैरह आती हैं यहाँ से। ट्रैक करके 1 किलोमीटर आना होता है पर वो पूरा वर्थ इट होता है, और यहाँ आके आप बहुत अच्छी फोटोज़ और वीडियो निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हमने अपनी मैगी मंगवा ली थी और चाय के साथ, पहाड़ों में इन व्यूज़ के साथ मैगी खाने का अपना ही मज़ा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ बहुत सी ऐसी मैगी की छोटी मोटी दुकानें हैं, तो आप भी अगर बाहुबली हिल्स पे आइए तो मैगी और चाय ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ऐसे मौसम में खासकर इसका अलग ही मज़ा है। तो बाहुबली हिल्स से वापस आने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ, तो चलिए चलते उधर। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ रास्ते में एक वाटरफॉल दिख गया और इतना सुंदर लग रहा है ना कि हमने यहाँ बाइक अपनी खड़ी कर दी है। वरुण वहाँ पे पार्क कर रहे हैं और ये देखो तो हिमाचल फेल हो गया है उदयपुर की सुंदरता के आगे। वाटर बॉडीज, माउंटेन, मतलब गजब का व्यू है। फ्रेंड से हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हमें ये पीछे इतना सुंदर सा ये झरना देखने को मिला है। मुझे नहीं पता ये नेचुरल है मैन मेड है कैसा है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड सज्जनगढ़ फोर्ट पे जाने के लिए आपको ये टिकट चाहिए होगा, इसका प्राइस 155 रुपीज़ पर हेड है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी लेके आप ऊपर तक जाते हो, बहुत हाइट पर है वो, तो उसका 300 चार्जेस गाड़ी का अलग से देना होगा टिकट प्राइस के अलावा। और अगर आप अपनी स्कूटी ले जा रहे हो तो उसका मैं श्योर नहीं हूँ, अभी आप बोर्ड पे देख लेना, 100 रुपीज़ है शायद। और हमने क्या किया कि हमने टैक्सी लिया है, तो टैक्सी आपको 106 रुपये पर हेड में ले जाती भी है ले आती भी है। तो अगर आप खुद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है खुद से नहीं जा सकते हो, तो आप शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हो। बाकी अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं और क्या कितना अच्छा है। फ्रेंड्स आ गए हम लोग सज्जनगढ़ मानसून पैलेस में, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पार्किंग गाड़ियों की लगी हुई है। अगर आप अपनी गाड़ियों से आते हो तो आपको यहीं पार्क करना होगा, और अगर आप शेयरिंग से आते हो तो वो आपको छोड़ देता है और वापस जाने में कोई दूसरा शेयरिंग वाला आपको ले जाता है। दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरे पीछे सज्जनगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ कितना सुंदर है, आइए देखते हैं।
वो देखिए दोस्तों, वो जो आपको ऐसी लाइन सी दिख रही है ना, वहीं वो करणी माता टेंपल की सीढ़ियाँ हैं जो हम कल विजिट किए थे। और यहाँ से आप देखो पूरे उदयपुर सिटी का आपको व्यू दिख जाएगा। वो आपकी लेक पिछोला है और इधर ये फतेह सागर लेक है या बड़ी लेक है मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना। दोस्तों सज्जनगढ़ फोर्ट के इन प्यारे प्यारे व्यूज़ को देखने के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं बायोलॉजिकल पार्क भी यहीं पर है तो उसको भी एक बार विजिट कर लेते हैं जब यहाँ तक आएँ तो। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि क्या क्या है वहाँ पे, लेकिन चल के देखते हैं एक बार क्या क्या है वहाँ पे। ये देखिए ऑस्ट्रिचेज हैं यहाँ पे दो बड़े बड़े। देखिए दोस्तों यहाँ वो जंगली बिल्ली बैठी है, मेरे पास उससे बड़ी जंगली बिल्ली है। तो बड़ा छोटा सा क्रोकोडाइल है यहाँ पे ये बैठा है। दोस्तों हम ये वापस जा रहे हैं अभी इस पार्क से थोड़ा सा ही देख करके, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कुछ खास जानवर वगैरह यहाँ है नहीं, और दूसरा हम लोग सुबह के ही निकले हैं तो थक भी काफ़ी गए हैं, इसलिए अभी वापस जाके होटल में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आज हम आपको अपने होटल का एक छोटा सा रूम टूर दे देते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। हमारा एक होम स्टे ही है एक्चुअली, हमने पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी अच्छे होम स्टे मिले थे तो हमने फिर से एक होम स्टे ट्राई किया है। तो इसके बाद आप लोग देखिए हमारे होटल का रूम टूर। चलिए हम लोग आपको अपने रूम दिखाते हैं, हम लोग कहाँ स्टे किए हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा रूम, आप लोग देख सकते हो। सबसे अच्छा मुझे इस रूम का ये कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, ये जो लाइट ग्रीन जो पिस्ता भी कह सकते हो, पिस्ता और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सूदिंग है। और काफ़ी अच्छा रूम है, कंफर्टेबल बेड है, टेबल चेयर है, और यहाँ से आप बैठ के बाहर का नज़ारा ले सकते हो। ये रहा हम लोग का वॉशरूम, यहाँ मुझे कैटन मिला है और ये पानी के लिए है। सबसे सुंदर इस रूम का मुझे जो एक ट्रेडिशनल लुक लगा है, ये एलवीरा का लगा, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और इसका आप पेंटिंग देख सकते हो, राजस्थानी कुछ टच दे के पेंटिंग किया गया है। और बहुत ही नीट क्लीन रूम है, जो ओनर है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हरिगढ़ रेस्टोरेंट में, और ये एक लेक साइड रेस्टोरेंट है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा सेटअप है। ऐसे लेक के किनारे छोटा सा रेज प्लेटफॉर्म है जिस पे बिस्तर सा लगा हुआ है, और साइड में दिख रही है हमारी लेक पिछोला। खाना फिनिश हो चुका है और हमने मंगाया था काजू करी और नान वगैरह मंगाए थे, और साथ में चीज़ बॉल्स स्टार्टर में। टेस्ट नॉर्मल था, ना बहुत अच्छा कहेंगे ना ख़राब कहेंगे, लेकिन जो ये एम्बियंस है सारा मज़ा इस चीज़ का है। अभी पेट भर गया है, चलते हैं वापस घर की ओर और फिर मिलते हैं आपसे। हम जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकले एक बार फिर से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और हम किसी तरह वापस अपने होटल पहुँचे। नेक्स्ट डे हम निकलेंगे उदयपुर से थोड़ा बाहर की ओर एकलिंग जी टेम्पल और सास बहू टेम्पल की ओर, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तब तक के लिए बाय बाय।